हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पापड़, ये राइस पापड़ है और फूलने के बाद अच्छे बड़े हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम कुछ चावल लेंगे क्वांटिटी, इसको 2 दिन पानी में अच्छे से भिगाकर इसका रोज़ पानी हम चेंज करते जाएंगे। ये 2 दिन भीगे हुए चावल है और इसका पानी चेंज करने के बाद फाइनली हम इसे सुखा के रखे हैं, हमने इसे फैन में ही सुखाया है। देन इसे पिसाएंगे, दरदरा पिसाना है इसको। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा धनिया और लाल वाली जो सूखी मिर्ची होती है उसको ऐड करके पिसा सकते हैं। देन इसके बाद हमने इसका बैटर बनाया, जैसे हम ढोकले के लिए बैटर बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है। इसमें दही ऐड करेंगे, अदरक लहसुन हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ दही और थोड़ा सा पानी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। देन इसको हम ढक के रख देंगे रात भर मैरिनेट होने के लिए। अब ये हमारा, हम जैसे ढोकले की प्रोसेस होती है वही हमें करना है। हम एक भगोने में तेल लगाएंगे, देन उसमें डालकर हम सेम उसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। देन ऐसा ये जो हमारा निकल, ये जो आप देख रहे हैं ये निकल गया है। अब इसको हमें, जैसे आप ये देख रहे हैं, जब हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा तब इसको हमें गरम गरम में ही इसे सानना है। और ये जो पानी है ये दही का पानी है, जिसे हम छाछ बोलते हैं या फिर मट्ठा, जो भी, जो दही का ऊपर का पानी निकलता है, इसको इसके मदद से हमें गरम गरम में ही अच्छे से मसलना है। और तब तक मसलना है जब तक ये पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसे अच्छे से मसलेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिए। ये फैन में भी सूख जाते हैं, थोड़ी सी धूप में ये पापड़ हो जाते हैं। और इसे हम लोग खट्टे पापड़ बोलते हैं चावल के। तो इसे अच्छे से गरम गरम में ही इसे जल्दी जल्दी गूथना होता है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। ठंडा अगर हो जाएगा तो ये उतने अच्छे से नरम नहीं होंगे। दही के पानी का हमें हाथ लगाते जाना है और इसे मलते जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। मेरे चैनल में जो भी वीडियो है आप ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक बार बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे, ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छे पापड़ होते हैं, छोटे छोटे से अगर हम बनाते हैं तो जब हम इसे तलेंगे तो ये फूल के बड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छे पापड़ लगते हैं, खट्टा टेस्ट आता है इसका। तो इसे अच्छे से मसलना है, मसलते जाएं, और जब तक मसलेंगे जब तक ये पूरी तरीके से नरम नहीं हो जाता है। नरम आटा जैसे हम सानते हैं उसी से, पानी का हाथ हमें नहीं लेना है, हमें दही के पानी का हाथ लेना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पापड़ की। और ये जब पूरी तरीके से अच्छे से मसल जाएगा देन हम पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब सॉफ्टनेस इसकी देखिए आप। देन अब हम पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी इसकी लोइयां बनाएंगे, गोले बनाएंगे, ठीक है। और इसे थाली में बेला जाता है, थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से मसलेंगे लंबा लंबा आकार में। और बेलने में हम, जो हमारा ये बेलना है, ये लंबा वाला बेलना हमें यूज़ करना पड़ता है, ये मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा तेल लगाएंगे और देखिए हम इसे एकदम हल्के हल्के हाथों से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको कोई भी एक हैंड यूज़ करना है, जैसे ये लेफ्ट हैंड से मूव कर रहे हैं, आपको एक हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के प्रेस करना है इसे। तो इस तरीके से ये बेलते जाना है और ये हमारा पापड़ हो गया तैयार। बहुत ही क्विक एंड इजी पापड़ है, आप एक दो पापड़ बनाएंगे तो आपको बन जाएंगे, आसान है। देन अब इसे निकालने की टाइम है, तो हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। चलो एक और पापड़ हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा उस किस तरीके से हमें बनाना है, इसी तरीके से बेलते जाएंगे। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट इन द कुकिंग, बट अभी लॉकडाउन का टाइम है तो हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पास करने के लिए अब यही सब चीज़ें रह गई है। सब लोग घर में हैं तो खाने का मन करता है। तो इस तरीके से मैं आपके साथ जो भी छोटी मोटी रेसिपी है वो मैं डालती हूँ। जल्दी आपको कोई और भी ब्लॉग देखने मिलेंगे इस चैनल में। तो ये हो गए हमारे पापड़।
अब इसे हम निकालेंगे। तो जब हम निकालेंगे तब थोड़ा सा उंगलियों की जो टिप्स है उसमें हम तेल लगाएंगे और इसे धीरे धीरे इस तरीके से नीचे खींच कर, देन ये हमारे पापड़ इस तरीके से हो गए तैयार। तो ऐसे ही हमें सारे पापड़ बेलने हैं। देन थोड़ी सी अगर धूप निकलती है तो उसमें सुखा दीजिए। जब सुखाने डालेंगे तो एक तरफ से अगर थोड़ा सा सूख जाए तो उसे टर्न कर लीजिए। इसे टर्न करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अंदर की तरफ मुड़ते जाएंगे पूरे। जैसे टर्न कर लीजिए और जब सूख जाए आप इसे फैन में भी सुखा सकते हैं। अगर थोड़ी सी धूप वगैरह है तो थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए, उसमें भी हम सुखा सकते हैं। तो ये सारे हमारे लगभग पापड़ बन गए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। देन ये कुछ सूख गए हैं पापड़, जल्दी से सूख जाते हैं, एक दिन में ही सूख जाते हैं ये। नाउ इट्स टाइम टू फ्राई। अब इसे हम तेल डालेंगे और ये देखिए इतना पापड़, अब इसको हम तल रहे हैं। ये फूल कर इतना बड़ा हो जाता है और ज़्यादा गर्म तेल में नहीं तलना है इसे, ये क्योंकि रेड हो जाता है। तो ये थोड़ा तेल गर्म हो गया है, इस तरीके से हम जब बन जाए तो इसे हम बारिश के टाइम में ये पापड़ दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते। देखिए कितना ज़्यादा फूल गया है, ये डबल साइज़ हो गया है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको कैसे लगे। बारिश के टाइम में ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, शाम को आप चाय के साथ या फिर दाल चावल जो भी आप। देखिए कितना बढ़िया फूल गया है। तो इस तरीके से पापड़ बनाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।